हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग जानने वाले हैं फोबिया के बारे में। तो फोबिया के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि फोबिया से रिलेटेड एक वीडियो आपको मैं दे चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने कुछ शब्दों पर डिस्कशन किया है, कुछ शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, अच्छी तरीके समझ में आ जाए। तो आज फिर मैं फोबिया के कुछ वर्ड्स आपके सामने रखने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजफुल टॉपिक है, लेकिन हाँ ध्यान से समझिएगा। तो फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है भय, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा। जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति किसी चीज़ से डरता है तो उसको फोबिया कह दिया जाता है। भाई आमतौर पर तो डर तो सबके अंदर होता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? फोबिया। ठीक है, भय जो है जब ज्यादा हो तो उसको फोबिया बोलते हैं, इसीलिए इसको मानसिक बीमारी भी बोल दिया जाता है। तो जैसे कि लाइट से डरने वाला, बड़ी चीजों से डरने वाला, छोटी चीजों से डरने वाला, औरतों से डरने वाला, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल करवा चुका हूं। तो चलें आगे कुछ और वर्ड्स हम लोग सीखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मानिएगा जरूर कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप लोग अच्छी तरीके से जुड़े रहें इंग्लिश अकेडमी बाय सुबोध सर के साथ। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये यहां पे मैंने आपके सामने पांच जो है वर्ड्स के बारे में मैं अभी आपके सामने डिस्कशन करूंगा। जैसे कोई व्यक्ति हवा से डरता हो, हवा मतलब जैसे किसी के अंदर एयर को लेकर अगर डर है, किसी के अंदर एनिमल्स को लेकर डर है, ठीक है, किसी के अंदर ब्यूटी को लेकर डर है, किसी के अंदर कलर्स को लेकर डर है, किसी के अंदर डेप्थ्स को लेकर डर है। तो इस तरीके से यहां पर देखिएगा, हवा से डरने वाला, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा इंसान जो कि हवा से डरता हो, जब हवा चलने लगी तो उसके अंदर डर आ जाता है, तो ऐसे इंसान को या ऐसी बीमारी को बोलते हैं एरोफोबिया, AERO। और आपको पहले ही बताया जा चुका है फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, भय। और एरो के लिए यहां पर क्या, इसके हवा के लिए क्या हो जाएगा, एरो, फिर उसके बाद इसमें क्या ऐड कर देंगे, फोबिया, एरोफोबिया। मींस अगर किसी को हवा से डर लगता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यूज करेंगे एरोफोबिया। अगर किसी को जानवरों से डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है, एनिमल से डर लगता है, भाई बहुत से लोग होते हैं जिनको जानवरों से डर लगता है, स्पेसिफिक जानवर नहीं, मतलब कोई भी जानवर हो उससे उनको डर लगता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बैल हो, चाहे कोई भी कह सकते हैं कि खूंखार जानवर हो या साधारण सा जानवर हो, उनको उससे डर लगता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है किसी के अंदर तो उसको आप बोलेंगे ज़ूफोबिया। देखिए कितना आसान है भाई, ज़ू मतलब चिड़ियाघर जाते हैं आप लोग, तो चिड़ियाघर में क्या देखने जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं, इसी से बना हुआ है ज़ूफोबिया, मतलब जानवरों से डर अगर किसी को लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ूफोबिया। सुंदरता से डर, हाँ बहुत से लोग हैं तो सुंदरता से अगर डर हो तो उसको क्या बोलेंगे, सुंदरता से डर को बोलेंगे कैलोफोबिया, कैलोफोबिया, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, कैलोफोबिया, सुंदरता से डर को क्या बोलेंगे, कैलोफोबिया। हाँ बोलते भी रहिए आप लोग, जिससे कि अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो सुंदरता से अगर किसी को डर लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैलोफोबिया बोलेंगे। रंगों से डर लग रहा, भाई क्या करोगे, डर तो बहुत तरीके का होता है, अब किसी को रंगों से डर लग रहा है, अब रंगों से डरने वाले को क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलेंगे, बिल्कुल इसको बोलेंगे क्रोमोफोबिया, CHROMOPHOBIA। देखिए फोबिया सभी में जुड़ा हुआ, इसकी लीला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो रंगों से डरने वाला कौन हो जाएगा, क्रोमोफोबिया, या इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोफोबिया। अब मान लो किसी को गहराई से डर लग रहा है, गहराइयों से अगर कोई डरता है तो उसको बोलेंगे बैथोफोबिया, बैथोफोबिया। अब इनको अपने हिसाब से आप लोग देखिए, इसमें फोबिया तो याद ही नहीं करना है, एयर एरो हो गया, एनिमल्स जू हो गया, ब्यूटी कैलो हो गया,
कलर्स क्रोमो हो गया और डेप्थ बैथो हो गया। बस सिंपल सा आप ऐसे चाहे याद कर लें, चाहे जैसे आप अपने दिमाग में इनको बिठा पाएं अपने हिसाब से याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया है ये, जिससे कि आप लोगों का जो कह सकते हैं वो कैप्स बड़ी जबरदस्त हो जाएगी और बड़ी कह सकते हैं स्पाइसी हो जाएगी, ठीक है, मतलब बहुत ही मजेदार हो जाएगी, चटपटी हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें टोन आ जाएगा। तो चलिए इन पांच वर्ड्स के बारे में हमने जान लिया है, एरोफोबिया, ज़ूफोबिया, कैलोफोबिया, क्रेमोफोबिया और बैथोफोबिया। अब इसके बाद हम पांच और जानते हैं वर्ड्स, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पांच वर्ड्स आपके सामने और लिखे हुए हैं, डिसीज, डॉग, कैट्स, कैट्स, हीट और हॉर्सेस। मतलब रोगों से डरने वाला, अगर किसी व्यक्ति को रोग से डर लगता है, भाई सभी को रोग से डर लगता है, ऐसा कोई नहीं जिसको रोग से डर ना लगे, तो अगर रोग से डर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, कुत्तों से डरने वाला, कुछ लोग कुत्तों से डरते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैट्स, कुछ जो होते हैं वो बिल्लियों से डरते हैं उनको क्या बोलते हैं, हीट, कुछ गर्मी से डरते हैं और कुछ घोड़ों से डरते हैं, ठीक है। देखो कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, बहुत मजा आएगा इनको सीखने में, एकदम गजब तरीके से मजा आने वाला है। बस ध्यान से देखते चले जाइएगा वीडियो को और लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा वर्क भी दूंगा, आप लोग वो वर्क जरूर कीजिएगा। देखिए वर्क देने का पर्पस क्या होता है, वर्क देने का पर्पस भाई ये होता है कि जो भी वर्ड्स सामने लिखे हैं जब आप उनको कमेंट में टाइप करेंगे, मान लो अगर जो वर्क दिया मैंने उनको आप जब कमेंट में टाइप करेंगे तो भाई क्या होगा, आप कई बार उन वर्ड्स को तुरंत ही रिपीट करेंगे, वीडियो देखा आपने और तुरंत ही आप रिपीट करेंगे, तो जिससे क्या होगा वो वर्ड्स जो है वो वर्ड्स आपके दिमाग में एकदम घुस जाएंगे, बिल्कुल जगह बना लेंगे, आप भूलना भी चाहोगे फिर भी उन वर्ड्स को नहीं भूल पाओगे। सो प्लीज ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से आज ये टारगेट बना लेना है कि 10 में 10 वर्ड्स उड़ा देने हैं, ठीक है, पहले के तो वो उड़े हुए ही वर्ड्स हैं, एकदम खत्म कर देना है, फोबिया से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स सब समाप्त। इसी तरीके से इडियम फ्रेजेस अगर आपने नहीं सीखे हैं या आपको सीखने में कठिनाई हो रही है वो भी बड़े इजी तरीके से आपके चैनल पे मिल जाएंगे, उनमें भी प्लेलिस्ट बनी हुई, उनकी प्लेलिस्ट देखिए, बड़ा मजा आपको आएगा। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, आपको टेंस में कोई भी समस्या है, तो हम लोग साथ में मिलकर टेंस सीख रहे हैं, उसमें भी एक लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें मैंने आपको टेंस के वीडियोस दिए हैं, सो प्लीज आप लोग वो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई अगर कोई व्यक्ति डिसीज से डर रहा है अगर कोई व्यक्ति डिसीज से डर रहा है तो डिसीज का मतलब क्या, रोग। अब अगर रोग किसी को है तो भाई वो ज्यादातर कहां जाता है, पैथोलॉजी जाता है ना, तो बस वहीं से बना हुआ है जो डिसीज है। डिसीज मतलब रोगों से अगर किसी व्यक्ति को डर लग रहा है, रोगों से अगर कोई व्यक्ति डर रहा है तो उसको बोलेंगे पैथोफोबिया। तो उसको क्या बोलेंगे, पैथोफोबिया बोलेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए किसी को कुत्तों से डर लग रहा है, भाई कुत्ते से डरने वाले को क्या बोलेंगे, जो लोग कुत्ते से डरते हैं उनको बोलते हैं साइनोफोबिया, ठीक है, इस डर को क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया। कैट्स, भाई बिल्लियों से भी कुछ लोग डरते हैं तो उसको बिल्लियों के लिए बोलते हैं एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया। देखिए कितना आसान है, साइनोफोबिया कुत्ते से डर, एल्यूरोफोबिया बिल्ली से डर, पैथोफोबिया जाहिर सी बात है रोगों से डर, हीट से क्या होता है, अब भाई हीट मान लो अगर किसी को बुखार है, ठीक है, तो मतलब हीट के लिए क्या, थर्मोमीटर का यूज ज्यादातर किया जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं यहां पे, थर्मोफोबिया, ठीक है, थर्मोफोबिया, थर्मोफोबिया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है ना, साथ में मिलकर सीख रहे हैं तो आसान तो लगेंगे ही लगेंगे। हॉर्सेस से, अगर घोड़ों से किसी को डर लग रहा है तो इसको बोलते हैं हिप्पोफोबिया, हिप्पोफोबिया, ठीक है। बहुत से लोगों को ये वर्ड्स नहीं आते बट आप लोगों को आते हैं, ठीक है, आप लोग इंग्लिश एकेडमी 22 सर से जुड़े हुए हैं, आपको आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं आपके चैनल पे उन सभी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, वो किसी और के लिए भी हेल्पफुल होंगे, या आपके मित्रों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए भी काफी नॉलेजफुल होंगे। तो ये रहे आपके वर्ड्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसीज से डरने वाला, रोगों से डरने वाला पैथोफोबिया, डॉग से डरने वाला साइनोफोबिया, कैट से डर एलोरोफोबिया,
हीट से डरने वाला थर्मोफोबिया, और किसे, घोड़ों से अगर कोई डर रहा है, घोड़ों से डर जो है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हिपोफोबिया। तो पैथोफोबिया, साइनोफोबिया, एलोरोफोबिया, थर्मोफोबिया और हिपोफोबिया। आई होप आज के फोबिया वर्ड्स आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद बारी है कमेंट सेक्शन में आपको कह सकते हैं होमवर्क करने की। होमवर्क क्या है आपको, इन पांच में मतलब जो भी दस, देखो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं फोबिया से जुड़े हुए, इन दस वर्ड्स में से कोई भी सात वर्ड्स आप लोग अपने अपने लिए अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बस भाई एक और रिक्वेस्ट है जो मैं बोल चुका हूँ, प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिए, शेयरिंग इज कैरिंग, प्लीज इतना जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।